हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की। आर एच ब्लड में फैक्टर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दोस्तों, आर एच नेगेटिव ब्लड का एक बहुत बड़ा फैक्ट यह है कि 1 करोड़ में से मात्र 20 आदमी आर एच नेगेटिव से प्रभावित होते हैं, या जिनका मात्र 20 लोगों का आर एच नेगेटिव ग्रुप होता है। दोस्तों, अब हम टॉपिक है हमारा हेल्थ, तो हम हेल्थ पे आते हैं। आर एच नेगेटिव पर्सन यदि बेबी पैदा करते हैं या बच्चा पैदा करते हैं, तो दोस्तों आर एच नेगेटिव मदर हो और आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फादर हो, या आर एच पॉजिटिव मदर हो या आर एच नेगेटिव फादर हो, तो उनका पहला बच्चा तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, फ्रेश होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है कि यदि आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप दोनों में से किसी एक का है, तो मदर में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि पहली डिलीवरी के बाद में मदर को आर एच एंटीबॉडीज नहीं लगाई जाएँ, तो दूसरा बच्चा 100% ख़त्म होता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट था जो मैं आपके बाद शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रखें दोस्तों, अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाएं, आपका या आपकी वाइफ का आर एच नेगेटिव है, तो पहली डिलीवरी के बाद उनको आर एच एंटीबॉडीज़ लगवाएं, वरना मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हो जाती हैं वो दूसरे बच्चे की जान ले लेती हैं। दोस्तों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। पहला बच्चा 100% पॉजिटिव पैदा होता है, आर एच पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस प्लस मिल के उसके अंदर जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं वो दूसरे बच्चे की जान ले लेते हैं। तो आर एच नेगेटिव मदर के अंदर पहला बच्चा पॉजिटिव होता है, इसलिए आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगता है, जो कि दूसरे बच्चे के लिए उसके बाद में खतरा नहीं रहता। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो दूसरा बच्चा 100% ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो।